देखो मुझे, मैं कहाँ हूँ? किसी से गलती हुई है। देखो, जाहिर है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। जल्दी। तो प्लीज सार्जेंट, आप मुझे एक फोन कॉल करने दीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करके देखता हूँ। थैंक यू। मेरे साथ आइए। किंटाकी में आप कहाँ से हैं साजिद? साइंस हिल नाम के छोटे शहर से। नाम सुना है? नहीं, पर अब सुन लिया। और आप कहाँ से हैं? क्रैनबेरी, न्यू जर्सी से। वहाँ क्रैनबेरी अच्छी मिलती है क्या? नहीं, टमाटर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो फिर नाम क्रैनबेरी क्यों रखा? तुम्हारे शहर का नाम साइंस हिल क्यों है? कभी पूछा नहीं, परवाह भी नहीं। आ जाइए सर। आप मुझे फोन की तरफ तो नहीं ले जा रहे हैं सार्जेंट? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक तुमने मुझसे सिर्फ एक ही सच बोला और वो है तुम्हारा नाम। लिखा है कि तुम भागे हुए हो और लिखा है कि तुम नियमों को अक्सर तोड़ते रहते हो और साफ साफ लिखा है कि तुम किसी को कॉल करने की कोशिश करोगे और हर वो कोशिश करोगे जिससे तुम्हें कल जंग में ना जाना पड़े। पर यहां ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। तो कोई होशियारी नहीं। पता नहीं तुम्हें जानकर खुशी होगी या दुख कि कुछ ही घंटों में ये सब लोग तुम्हें एक डरपोक पिल्ला बुलाने वाले हैं जो बाकियों की जान से पहले अपनी जान बचाना पसंद करेगा। पर फिर भी तुम्हारे लिए यहाँ जगह है, वो जगह जहाँ सबको लड़ने का मौका मिलेगा, जहाँ हर सैनिक सबके लिए एक मिसाल कायम कर सकता है, जहाँ हर सैनिक एक फौलादी बन जाता है और जहाँ हर सैनिक का एक ही दर्जा होता है, बजाय इसके कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में कैसा रहा है। जवानों, ये है प्राइवेट केज। प्राइवेट केज, ये है जे स्क्वाड। ये तो ऑफिसर की यूनिफॉर्म है ना? हथकड़ियों से तो नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ सबकी सुबह बहुत ही हंसी बीत रही है। पता है, मुझे बहुत ही फक्र हो रहा है कि तुम जैसे जवान कल जंग में सबसे आगे होंगे। कील की नोक पर, पहाड़ी की छोर पर, बहादुरी दिखाते हुए। अरे, ओफो। प्राइवेट किमल, मैंने पत्ते खेलने के बारे में क्या कहा था? कि आपको ये पसंद नहीं है सार्जेंट। और नैंस, मुझे ये क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि ये खेलते वक्त हमारी किस्मत किसी और के हाथ में होती है सार्जेंट। और किस्मत के मामले में मेरा क्या ख्याल है, ये जरा सब एक साथ बताओ। प्रतिष्ठा और अनुशासन रखने से हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। तुम्हें लग रहा हुआ किस जालिम से पाला पड़ गया, पर जल्द ही तुम्हें आदत पड़ जाएगी। प्राइवेट केज एक भगोड़ा है और अब ये तुम सब की जिम्मेदारी है कि ये ऐसा दोबारा ना करे। मैं चाहता हूँ कि कल ये ठीक 600 आवर्स पर जंग के लिए तैयार हो जाए। तैयार नहीं। प्राइवेट केज को ये लग रहा है कि इनको यहाँ नहीं होना चाहिए, तो आप सभी लोग इनके दिमाग से मुगालता निकलवा दें। अगर ये भागने की कोशिश करें तो मेरी तरफ से आप इनके साथ जो चाहें वो सलूक कर सकते हैं। नहीं, नहीं, देखिए सार्जेंट, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। और शब्द नहीं केज, कल सुबह तुम्हें बैप्टाइज किया जाएगा, नया जन्म होगा। बेटी, 10 मिनट में। तुम यूनिफॉर्म में नहीं हो प्राइवेट। सभी जवान लड़ाई के लिए तैयार। आज एक नया दिन है जवानों, और किस्मत बुला रही है। सब लोग हमसे बस एक ही उम्मीद रखते हैं कि हम जीतेंगे। Oh yeah. Oh, what's up?